दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, आपने थंबनेल से ये पता तो लगा ले होगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि चेक बाउंस के केस में अगर हम जेल चले जाते हैं तो क्या उसके बाद भी हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे व्यूवर्स कमेंट्स करके पूछते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखा है लेकिन इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों मान लो आजकल चेक इस तरह से वितरित करने लग गए, बांटने लग गए, जैसे कोई प्रसाद होता है, कोई मंदिर में अपन ढोक लगाने जाते हैं वो प्रसाद देते, इस तरह से चेक को बांट देते हैं क्योंकि मजबूरी का फायदा उठाने लग गए। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के पास इसी मजबूरी हो जाती है कि वो खाली चेक भी दे देते हैं कि पैसे की उनको ज़रूरत होती है तो किसी भी व्यक्ति से खाली चेक देकर पैसे ले लेते हैं और वो चाहे कितने ही पैसे भर के उसे चेक को बाउंस कराए। लेकिन दोस्तों आपको ये बात गांठ बांध लेनी है, कभी भी किसी व्यक्ति से अगर आप पैसे उधार लेते हो तो बिल्कुल उस चेक में जितने पैसे आपने उधार लिए उतने ही पैसे का चेक आप दें। पहली बात, अगर आप नहीं देते हैं तो जिस व्यक्ति से आप पैसे उधार लिए वो व्यक्ति कितने का भी भरकर उसे लगा सकता है। अब बात करते हैं टॉपिक पे। मान लो चेक बाउंस हो जाता है, आपने किसी से पैसे उधार दिया लिया, उसे आप टाइम पे नहीं देते हैं, उसने एक लीगल नोटिस चेक बाउंस कराता है और उसके बाद वो लीगल नोटिस देता है। लीगल नोटिस देने के बाद जो भी समय अवधि होती है उसमें अगर आप जैसे लीगल नोटिस 15 दिवसीय देता है तो 21 दिवसीय देता है, तो आप उसके अंदर अंदर पैसे नहीं देते हैं तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ 138 NI एक्ट के तहत कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा देगा, फाइल पेश कर देगा क्रिमिनल केस। तो उसके पेश करने के बाद जब सम्मन जारी होता है, सम्मन के बाद बेलेबल वारंट होता है, फिर गिरफ्तारी वारंट, जब सारी चीज़ें हो जाती है, एविडेंस हो जाती है, कोर्ट ने जैसे आपने 10 लाख का किसी से पैसे लिए, 10 लाख का चेक उन्होंने लगाया, तो चेक का दुगुना या डेढ़ गुना कोर्ट उसकी जो आदेश होता है उसमें पारित करती है। साथ साथ एक साल की सज़ा भी कर सकता है, 2 साल की भी कर सकता है, ये कोर्ट पर निर्भर है। जब कोर्ट उसे 2 साल की या 1 साल की सज़ा कर देता है तो वो व्यक्ति सजा भुगतने के बाद जब बाहर आता है तो वो व्यक्ति के दिमाग में ये चलता है कि हमने तो सजा भुगत ली है, अब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, सजा भुगतने के बाद भी जो आर्थिक दंड है, जितने पैसे कोर्ट ने 10 के 15 कराए हैं तो वो आपको चुकाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट आपकी जो भी संपत्ति है उसे क्रूक करके उस व्यक्ति को पैसे अदा करने का आदेश करेगा। इसलिए दोस्तों ये दिमाग में गलत जो फहमी है वो आप दिमाग में से निकाल दे दिए कि मैं एक बार जेल चला गया तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा। दोस्तों कोर्ट का ऊपर पावर है, ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति पैसे लेके भग सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों उसकी जो संपत्ति है, उसके पिताजी, उसकी जो भी संपत्ति, उसको क्रूक करके उस व्यक्ति को पैसे अदा करने का आदेश कोर्ट कर सकती है। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।